हाल ही के महीने में देश में खाने के तेलों की मांग में बड़ी तेजी देखने को मिली है। इसके चलते आयात पर होने वाला खर्च भी तेजी से बढ़ा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के खाद्य तेलों के आयात बिल में 34.18% का उछाल आया है। यह रिकॉर्ड इस साल अक्टूबर महीने के अंत तक का है। रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य तेलों के आयात बिल का खर्च 1,57,000 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह तेल आयात की मात्रा में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जो 6.85% बढ़त के साथ 140.3 लाख टन पर पहुंच गई है। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल खरीदारों में से एक है, जिसने 2020-21 के दौरान 131,03,000 टन खाद्य तेलों का आयात किया। पिछले साल हुई इस खरीदारी पर भारत ने 1.17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इस साल अक्टूबर तक यह खर्च बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इस बात की जानकारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। इस जानकारी में कहा गया है कि खाद्य तेलों का आयात इस वित्त वर्ष की शुरुआती 2 तिमाही में लगातार बढ़ा है, जबकि 3री तिमाही में इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन वित्त वर्ष की 4थी तिमाही आते ही खाद्य तेलों के आयात में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल के निर्यात पर से पाबंदी हटा ली। इस पाबंदी के हटते ही पूरी दुनिया के बाजारों में खाद्य तेलों के दाम नरम पड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट का फायदा भारत के कारोबारियों ने उठाया और बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों का आयात किया। सी ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल के दाम गिरने से भारत का पाम ऑयल नहीं बिक पाया और या उसके खरीदार कम मिले। वहीं मार्च अप्रैल में पाम तेल की सप्लाई कम रही, जिससे इसके भाव में तेजी देखने को मिली। फिर बाद में मई और जून महीने में भी ये हालत रही, क्योंकि इंडोनेशिया ने अपने पाम तेल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। इससे भारत की पाम ऑयल खरीदारी रुक गई और उसे पाटने के लिए बाकी तेलों का आयात बढ़ा दिया गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में पाम ऑयल का आयात 2021-22 में घटकर 79.15 लाख टन पर आ गया। इससे पिछले साल यह आयात 83.21 लाख टन पर पहुंच रहा था। दूसरी ओर इस साल दूसरे खाद्य तेलों का भी आयात बढ़ा और वो बढ़कर 61,15,000 टन पर पहुंच गया, जो पिछले साल 48,12,000 टन था। सी का कहना है कि जिन तेलों के आयात में सबसे अधिक तेजी आई है, उनमें आरबीजी पामोलिन तेल के आयात में लगभग दोगुने से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इस तेल का आयात 2021-22 में 18,41,000 टन पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये 6,86,000 टन रहा था। इसी तरह से कच्चे पाम तेल का आयात भी 74,91,000 टन के मुकाबले 20% इस बार घटकर 59,94,000 टन रह गया। कच्चे पाम करनेल तेल में का आयात भी इस अवधि में 1,43,000 टन से घटकर 80,000 टन पर पहुंच गया। सॉफ्ट ऑयल में सोयाबीन तेल का आयात सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा और इसकी मात्रा 41,71,000 टन पर पहुंच गई। दरअसल पिछले साल इसका आयात 28,66,000 टन था। सूरजमुखी तेल की सप्लाई भी कम होने से सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।